हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं हाईएस्ट माउंटेन पीक्स इन एवरी कॉन्टिनेंट। जैसा कि हम जानते हैं, सेवन कॉन्टिनेंट है हमारे अर्थ पर, थाला फॉर अ रीजन, जस्ट कडिंग। सेवन कॉन्टिनेंट कौन कौन से हैं? एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्क्टिका एंड यूरोप। ये सेवन कॉन्टिनेंट्स हैं, तो इन सेवन कॉन्टिनेंट्स में भी सेवन हाईएस्ट पीक्स हैं, हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद अवर फर्स्ट माउंटेन पीक इन एशिया। एशिया की लार्जेस्ट माउंटेन है माउंट एवरेस्ट, और माउंट एवरेस्ट एशिया के साथ साथ पूरी दुनिया, पूरे वर्ल्ड की, पूरे अर्थ की सबसे हाईएस्ट पीक है। द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड इज माउंट एवरेस्ट, और ये कहां लोकेटेड है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। बात करें माउंट एवरेस्ट के लोकेशन की, तो ये लोकेटेड है नेपाल और चाइना बॉर्डर के बीच में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिया का नेबरिंग स्टेट्स हैं, नेबरिंग कंट्रीज हैं नेपाल और साथ साथ चाइना, और जो नेपाल और चाइना के बीच की जो बॉर्डर है वहां पर लोकेटेड है आपका माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट लोकेटेड है हिमालयन रेंज में, यानी कि जो माउंट एवरेस्ट है वो हिमालयस के अंदर आता है, और हिमालयस में ही बहुत सारी अदर माउंटेन पीक्स भी हैं, जैसे काराकोरम हो गया, कंचनजंगा हो गया, सब किस्म आती है हिमालयन रेंज में आती है। तो ये जो पूरी रेंज है आपको यहाँ पर हिमालयन रेंज ही दिखेगी, और इसी में लोकेटेड है आपका माउंट एवरेस्ट। सो लेट्स डिस्कस सम मोर डिटेल्स अबाउट माउंट एवरेस्ट। सो जैसे कि मैंने आपको बताया माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे लार्जेस्ट पीक है, तो जो उसकी एलिवेशन है वो क्या है, 8,848.86 मीटर, अगर फीट पर कन्वर्ट करना चाहें आप यहाँ पर देख सकते हैं। कहाँ लोकेटेड है? नेपाल और चाइना बॉर्डर के लोकेटेड है, और इसकी डिस्कवरी किसने करी थी? जॉर्ज एवरेस्ट ने करी थी, जिसकी वजह से हम इसे क्या कहते हैं, माउंट एवरेस्ट। उनके नाम पर एवरेस्ट कहा गया और वो माउंटेन है तो माउंट एवरेस्ट। और नेपाल में इसे क्या कहा जाता है? नेपाल में इसे सागर माथा कहा जाता है, सागर माथा है, सागर माथा आप कह सकते हैं, नेपाली नेम इसका ये है। तो नेपाल से भी आप इसको चढ़ सकते हैं, चाइनीज साइड से भी चढ़ सकते हैं, लेकिन नेपाल की साइड से जब आप चढ़ते हैं तो थोड़ा सा इजी रहता है एज कम्पेयर टू चाइनीज साइड से। तो बहुत सारे जो लोग हैं वो नेपाल की साइड से ही इसको फतेह करते हैं, यानी कि चढ़ते हैं इस पर। तो अब देखते हैं कि माउंट एवरेस्ट पर बहुत सारे लोग चढ़ते हैं, आपने सुना होगा कि इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट कर दिया, कुछ यंगस्ट कुछ ओल्डेस्ट लोग जाते हैं। तो सबसे पहले किसने क्लाइम किया था? तो सबसे पहले 29 मई 1953 को एडमंड हिलेरी और उनके जान जो शेरपा गए थे तेंजिंग नॉर्गे, उन दोनों ने साथ में इस माउंटेन पीक को क्लाइम भी किया था। अब शेरपा क्या होते हैं? शेरपा वो पर्सन होते हैं जो मेन क्लाइंबर को हेल्प करते हैं उनका सामान कैरी करने में। अब जो मेन क्लाइंबर होता है वो क्लाइंब करने में ज्यादा फोकस करता है, तो उनका जो सामान होता है, जो भी इसेंशियल नीड्स के गुड्स एंड आइटम्स होते हैं, वो आपके जो शेरपा होते हैं वो कैरी करते हैं। तो किसने? तेंजिंग नॉर्गे ने उन्हें हेल्प किया क्लाइंब करने में। और साथ ही साथ अगर आपको एक और डिटेल बताई जाए, जो कामी रीता शेरपा है, कामी रीता शेरपा अगेन ही इज द वन हु हेल्प्स अदर क्लाइंबर्स टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट। तो इन्होंने 30 टाइम्स माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब कर लिया। और पहले क्या होता था कि जो शेरपा है वो पीक तक नहीं जाते थे, पीक से 5 to 10 meter की डिस्टेंस पर रहते थे, ताकि जो क्लाइंबर है वो वहां तक पहुंचे और वो उसके नीचे पर ही रुकते थे। लेकिन अब क्या करते हैं, जो शेरपाज हैं वो भी इतना क्लाइंब करके होते हैं तो वो भी ऊपर तक जाते हैं। सेम एडमंड हिलेरी ने तेंजिंग नॉर्गे के साथ भी किया था, तेंजिंग नॉर्गे ऊपर तक नहीं जा रहे थे ऐसा मैंने पढ़ा हुआ है, तो एडमंड हिलेरी उनसे कहते हैं कि जब तुम यहां तक आ गए हो तो ऊपर तक आ सकते हो, जिसकी वजह से तेंजिंग नॉर्गे का नाम भी हिस्ट्री में लिखा गया है। तो दीज टू आर द फर्स्ट पर्सन हु हैव क्लाइंब्ड माउंट एवरेस्ट। और अभी सबसे ज्यादा बार किसने क्लाइंब किया है? कामी रीता जी ने, जिन्होंने 30 टाइम्स माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब किया है। ये भी आ सकता है कि कितने बार किया है और किसने किया है, तो कामी रीता शेरपा ने 30 टाइम्स इसको क्लाइंब किया है। अब अगले साल, अभी ये 2024 अगस्त तक की डिटेल्स है, अब इसके बाद अगर आप देखेंगे तो मे बी अगले साल जब अप्रैल मई का जो सीजन होता है, जब क्लाइंबिंग स्टार्ट होती है, तब वहां पर आप देख सकते हैं कि जो कामी रीता शेरपा है वो 30 टाइम्स से ज्यादा बार भी वहां पर क्लाइंब कर सकते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट माउंट एवरेस्ट। और अब बात करते हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट की, तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जो लार्जेस्ट माउंटेन पीक है वो है माउंट किलिमंजारो। अफ्रीका इज द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बाय एरिया, सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है एशिया, उसके बाद है अफ्रीका। अफ्रीका के अंदर ही माउंट किलिमंजारो लोकेटेड है, और उसमें भी कहाँ लोकेटेड है? इन दी कंट्री तंजानिया। तो तंजानिया कंट्री के अंदर माउंट किलिमंजारो लोकेटेड है, जो कि अफ्रीका की लार्जेस्ट माउंटेन पीक है। साथ ही साथ इसको कहते हैं एक टाइप का वोल्केनो भी है। अब बात करते हैं इसकी जब आगे डिटेल्स के बारे में। माउंट किलिमंजारो के जो टोटल एलिवेशन है, हाइट है, वो है 5,895 मीटर, जिसे आप फीट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और बात करी जाए कहाँ लोकेटेड है, ये किलिमंजारो रीजन तंजानिया में लोकेटेड है। जैसे मैंने आपको बताया था कि किलिमंजारो एक डोरमेंट वोल्केनो भी है, और ये डोरमेंट वोल्केनो क्या होते हैं? ऐसे वोल्केनो जो कि लास्ट 10,000 में एरप्ट नहीं हुए हैं, 10,000 में वोल्केनो की इरप्शन नहीं हुआ है, लेकिन उनमें हो सकता है। अब कब होगा इसकी सर्टेनिटी नहीं है। और बात करते हैं लास्ट इरप्शन बिटवीन 150,000 एंड 2,000 ईयर्स एगो, यानी कि अभी बहुत पहले ही इसका इरप्शन था, मे बी कभी हो सकता है, हमें नहीं पता इनके बारे में, ओके कब होगा। और इस पर सबसे पहले जो असेंड किया था वो किन्होंने किया था? 6 अक्टूबर 1889 को बाय हैंस मेयर एंड लुडविग हुशेलर, इन्होंने इसको सबसे पहले यहां पर क्या किया था? क्लाइंब किया था। तो चलिए बढ़ते हैं
नेक्स्ट माउंटेन पीक के बारे में जो कि नेक्स्ट कॉन्टिनेंट में होगी। नाउ द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बाय लैंड एरिया इज नॉर्थ अमेरिका एंड द लार्जेस्ट माउंटेन पीक और द हाइस्ट माउंटेन पीक इन नॉर्थ अमेरिका इज देनाली एंड माउंट मैकिनली। सो माउंट मैकिनली जो है वो लोकेटेड कहाँ है? अलास्का में लोकेटेड है। और अलास्का किसका पार्ट है? यूनाइटेड स्टेट्स का। अगर आपको पता नहीं है तो अलास्का पहले रशिया का पार्ट हुआ करता था लेकिन रशिया जबकि पहले यूएसएसआर था, यूएसएसआर का पार्ट हुआ करता था लेकिन यूएसएसआर ने यूनाइटेड स्टेट्स को अलास्का सेल कर दिया था, जिसकी वजह से अब अलास्का यूएसए का पार्ट है। और माउंट मैकिनली और डेनली ये कहीं का लोकेटेड है? अलास्का में लोकेटेड है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर आता है। माउंट मैकिनली या फिर डेनली नॉर्थ अमेरिका की हाईएस्ट पीक है। तो जो इसकी टोटल हाइट है वो कितनी है? 6,190 मीटर है। और ये कहाँ लोकेटेड है? इट इज लोकेटेड इन द अलास्का रेंज ऑफ यूएसए, जो कि किसका पहले किसका पार्ट हुआ करता था? रशिया का। और सबसे पहले इसमें क्लाइंब किसने किया था? ऑन 7 जून 1913 को हडसन स्टक, हैरी कास्टेंस, वॉल्टर हार्पर और रॉबर्ट टेटम ने इसे सबसे पहले क्लाइंब किया था। सो दीज आर द वंस हु हैव क्लाइंबड इट फर्स्ट। अब मैं जब भी बात कर रहा हूं आपसे कि किस माउंटेन पीक को सबसे पहले किसने क्लाइंब किया है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके उस माउंटेन पीक को उससे पहले किसी ने क्लाइंब नहीं किया था। जैसे माउंट एवरेस्ट है, वहां के जो शेरपास थे उन्होंने वहां ऑलरेडी क्लाइंब किया था, जिसकी वजह से उन्होंने अदर लोगों को हेल्प करी थी वहां क्लाइंब करने में। तो लेकिन उनका कोई भी रिकॉर्डेड प्रूफ नहीं था, जिसकी वजह से जो सबसे पहले गया, जैसे माउंट एवरेस्ट पे टेनजिंग नोरगे और उनके साथ गए थे तो इन्होंने उसको रिकॉर्ड किया था, वैसे ही जो भी किलिमंजारो पर गए थे और यहाँ पर माउंट डेनली पर गए थे इन्होंने इस चीज को रिकॉर्ड किया, जिसकी वजह से सबसे फर्स्ट एसेंट पर इनका नाम आता है। इससे पहले भी गए होंगे लेकिन उन्होंने रिकॉर्ड नहीं किया होगा, जिसकी वजह से उनका नाम यहाँ पर नहीं आता है। ओके, तो एक छोटी सी बात थी जो आपको क्लियर होनी चाहिए अपने माइंड पे कि वहां पर और भी गए होंगे लेकिन उनका रिकॉर्ड नहीं है तो हम उनके बारे में नहीं जानते। सिंपल। अब बात करते हैं साउथ अमेरिका की। साउथ अमेरिका लैंड एरिया में फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है और यहाँ की जो हाइस्ट पीक है वो है एकॉनकागुआ। तो बात करते हैं इसके बारे में। जैसा कि हमें पता है माउंट एकॉनकागुआ लोकेटेड है आपका साउथ अमेरिका, लेकिन साउथ अमेरिका के कौन सी कंट्री में लोकेटेड है? वो क्या है? अर्जेंटीना में। सो अर्जेंटीना में ये माउंटेन लोकेटेड है। अब इसके बारे में कि इसकी हाइट क्या है, यहाँ पर सबसे पहले क्लाइम किसने किया था, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। बात करते हैं हाइट की। तो टोटल एलिवेशन और टोटल हाइट है इस माउंटेन की वह 6,960.8 मीटर, जो कि होता है 22,837 फीट। और ये कहाँ लोकेटेड है? अभी आपको बताया था कि अर्जेंटीना कंट्री में लोकेटेड है और यहाँ की जो अदर प्रोनाउंसिएशन है वो भी यहाँ पर देख सकते हैं, एकॉनकागुआ। और किस कंट्री में? अर्जेंटीना में। और कौन से प्रोविंस में? मेंडोजा प्रोविंस में लोकेटेड है। और द फर्स्ट रिकॉर्डेड एक्सेंट, यानी कि जो जिन्होंने सबसे पहले यहाँ पर क्लाइंब किया था, वो रिकॉर्डेड कौन सा है? वो है 1897 में बाय मैथियस ज़र्ब्रिगेन। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ पर और लोगों ने भी क्लाइंब किया होगा लेकिन उनकी कोई रिकॉर्डेड हिस्ट्री नहीं है, तो रिकॉर्डेड हिस्ट्री में हम सबसे पहले उन्हीं को मानते हैं जिन्होंने वहां पर सबसे पहले रिकॉर्ड करा होता है कि मैंने यहाँ पर क्लाइंब कर लिया, आप इसको रिकॉर्ड कर लीजिए। वैसे ही तो मैथियस ज़र्ब्रिगेन ने यहाँ पर सबसे पहले रिकॉर्डेड हिस्ट्री में क्लाइंब किया है। अब बात करते हैं अंटार्कटिका की। अंटार्कटिका को दुनिया का सबसे बड़ा कोल्ड डेजर्ट भी कहा जाता है और अंटार्कटिका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसके अंदर कोई भी कंट्रीज नहीं है, यहाँ सिर्फ डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के एक्सपेडिशन है जो कि यहाँ रिसर्च करते हैं। इंडिया का दक्षिण गंगोत्री है, वैसे यहाँ रिसर्च सेंटर बनाए हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज ने, लेकिन यहाँ कोई भी जो भी एक कंट्री है वो लोकेटेड नहीं है। और जो अंटार्कटिका की हाईएस्ट माउंटेन पीक है वो क्या है? विंसन मैसिफ, या फिर आप कह सकते हैं माउंट विंसन। यहाँ पर आप देख सकते हैं अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट जिसके अंदर कोई भी कंट्री नहीं है और वहां की जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है विंसन मैसिफ कहाँ पर लोकेटेड है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। विंसन मैसिफ की जो टोटल हाइट है वो है 4,892 मीटर, जो कि होती है 16,050 फीट। और आपको पता है किसी कंट्री में नहीं लोकेटेड है तो हम यहाँ पर इसको कहाँ लोकेटेड है कहेंगे? तो सिर्फ आप कहेंगे कि अंटार्कटिका में ही लोकेटेड है। और यह सबसे पहले किसने एक्सटेंड किया था? 1906 में निकोलस क्लिंच ने इसे क्लाइंब किया था और साथ ही साथ इन्होंने इसकी क्या करी थी, इसकी मेजरमेंट भी करी थी विद द हेल्प ऑफ जीपीएस। जीपीएस सिस्टम से क्या करी थी उन्होंने, इसकी हाइट को मेजर किया था। और ही वाज द फर्स्ट वन हु क्लाइंबड माउंट विंसन व्हिच इज लोकेटेड इन द लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज अंटार्कटिका। नाउ यूरोप। यूरोप इज द सिक्स्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बाय लैंड एरिया और माउंट एल्ब्रस इज द लार्जेस्ट और हाईएस्ट माउंटेन पीक इन यूरोप। और ये कहाँ लोकेटेड है? लेट्स डिस्कस अबाउट दैट। अब माउंट एल्ब्रस जो है वो लोकेटेड है आपका रशिया में। अब आप कहेंगे कि रशिया एक यूरोपियन कंट्री है या फिर एशियन कंट्री है? लेट्स डिस्कस अबाउट दैट।
माउंट एवरेस्ट की टोटल हाइट है 5,642 मीटर, जिसे फीट में कन्वर्ट करके यहाँ पर दिया गया है। और ये कहाँ लोकेटेड है? रशिया में लोकेटेड है। और रशिया एक यूरोपियन कंट्री है, जी हाँ, क्योंकि रशिया का 25% पार्ट यूरोप में आता है और 75% पार्ट एशिया में आता है। अब आप कहेंगे इस अकॉर्डिंग तो रशिया को एशियन कंट्री कहना चाहिए, लेकिन रशिया के जो मेन कैपिटल सिटी है मॉस्को, वो कहाँ लोकेटेड है? यूरोपियन पार्ट में लोकेटेड है। सो दैट इज वाई रशिया को आप कहते हैं यूरोपियन कंट्री। और चाहे एशिया की लार्जेस्ट कंट्री होगी चाइना, और यूरोप की लार्जेस्ट कंट्री होगी रशिया। ओके, आप अगर आपसे कहीं क्वेश्चन पूछा जाता है कि एशिया के लार्जेस्ट कंट्री क्या है, तब आप रशिया नहीं कहेंगे, तब आप चाइना कहेंगे, क्योंकि रशिया की केवल यूरोप में आती है, तो रशिया भी एक यूरोपियन कंट्री ही माना जाता है। अब इस माउंटेन पीक को सबसे पहले क्लाइंब किसने किया था? वेस्ट से, वेस्ट समिट 1874 में वेस्ट से इसे क्लाइंब किया था पहली बार, फ्लोरेंस ग्रोव, फ्रेडरिक गार्डनर और हॉरेस वॉकर के द्वारा। लेकिन इसको जो ईस्टर्न पार्ट था वहां से भी क्लाइंब कर लिया गया था 22 जुलाई 1829 में, बाई किलियर खाशीरोव ने इसको क्लाइंब कर दिया था। सो दिस वाज द इंफॉर्मेशन अबाउट माउंट एवरेस्ट, लेट्स मूव अहेड। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट की। ऑस्ट्रेलिया खुद में एक कंट्री भी है, साथ ही साथ एक कॉन्टिनेंट भी है। तो यहाँ की जो लार्जेस्ट माउंटेन पीक और हाईएस्ट माउंटेन पीक है वो कौन सी है? माउंट कोजियस्को। अब इसके बारे में बाकी डिटेल्स को डिस्कस कर, यहाँ पर आप ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट के मैप में देख सकते हैं माउंट कोजियस्को की लोकेशन। अब बात करते हैं माउंट कोजियस्को की हाइट। तो वो जो टोटल हाइट है वो है 2,228 मीटर, जिसे आप फीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। कहाँ लोकेटेड है? ऑस्ट्रेलिया कंट्री में लोकेटेड है। और इसे सबसे पहले किसने एक्सेंड किया था, यानी कि किसने सबसे पहले इस पर क्लाइंब किया था? इन 1840 को डर्ट रोड से पावेल एडमंड स्ट्रेजलकी ने इसे क्लाइंब किया था। तो ये थी हमारी आज की 7 माउंटेन पीक्स, जो कि हर कॉन्टिनेंट में हाईएस्ट माउंटेन पीक है। इनके बारे में हमने डिस्कस किया था। आई होप आपको समझ में आया होगा एंड आपने बहुत सारा नई इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से जानने को मिली होगी। सो एवरीवन, थैंक यू सो मच अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है। तो अगर मैं आज की वीडियो को जल्दी से समराइज करूँ, तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है एशिया, और वर्ल्ड की लार्जेस्ट माउंटेन पीक भी लोकेटेड है एशिया में, जो कि है माउंट एवरेस्ट। और सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है अफ्रीका, जिसकी लार्जेस्ट माउंटेन पीक है माउंट किलिमंजारो, जो कि तंजानिया में लोकेटेड है। माउंट एवरेस्ट कहाँ लोकेटेड है? नेपाल और चाइना बॉर्डर में, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्लाइंब नेपाल की साइड से ही होती है। ऑस्ट्रेलिया कि जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है वो है माउंट कोजियस्को, जो कि ऑस्ट्रेलिया में लोकेटेड है। ऑब्वियसली जो थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है नॉर्थ अमेरिका, उसका जो लार्जेस्ट माउंटेन है वो है माउंट मैकिनली या फिर डेनाली, जो अलास्का में लोकेटेड है। और साउथ अमेरिका की हाईएस्ट माउंटेन पीक है एकोनकागुआ, माउंट एकोनकागुआ, जो कि अर्जेंटीना में लोकेटेड है। और फिर आता है यूरोप, यूरोप में जो लार्जेस्ट माउंटेन पीक है वो है माउंट एवरेस्ट, जो कि रशिया में लोकेटेड है। और मैं आपको बता चुका हूँ कि रशिया एक यूरोपियन कंट्री क्यों है, नॉट एन एशियन कंट्री। साथ ही साथ अंटार्कटिका, जिस जो कि खुद में ही एक कॉन्टिनेंट है और उसके अंदर कोई भी कंट्रीज नहीं आते हैं, तो माउंट विंसन पीक यहाँ की जो क्या है हाईएस्ट माउंटेन पीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और आपने बहुत सारी नई इन्फॉर्मेशन यहाँ से गैदर करी होगी, आपने नोट किया होगा, और आई होप ये आपको आपके एग्जाम में हेल्प करेगी। अगर आपको इसमें कुछ गलती लगती है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उस गलती से सीखूंगा और अगली वीडियो में उसको इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा। अगर आपने कुछ नया सीखा है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट करके जरूर जाइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज कीप स्प्रेडिंग अवर वीडियो टू योर फ्रेंड्स, कलीग्स एंड अदर पर्सन। सो थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।